Hello students, here is the explanation of the chapter named Leading the Way. अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखा जाए तो लीडिंग द वे का मीनिंग होता है कि किसी रास्ते को लीड करना, किसी दूसरे के लिए एक नया रास्ता ओपन करना, किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं। ये जो चैप्टर है ये आपको थ्री वुमन्स के बारे में दिया है, थ्री एग्जांपल्स इसमें गिवन है कि किस तरीके से वुमन्स ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे ना सिर्फ उन्होंने अपने लिए नई चीज़ों के रास्ते खोले बल्कि अपने जैसी कई लेडीज़ों के लिए, अपने जैसी कई फीमेल्स के लिए उन्होंने नई चीज़ों के रास्ते खोले। एक तरीके से हम देखें तो ये एक चैप्टर किसी वुमन एम्पावरमेंट से कम नहीं है। ये जो चैप्टर है इसमें वुमन एम्पावरमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है आर डॉक्टर। ये जो एग्जांपल है वो है एलिजाबेथ ब्लैकवेल का, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1821 को हुआ था और वो अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो गई थी जब वो सिर्फ 2 साल की थी। एट द एज ऑफ 23 उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, बट उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर ये मानना था कि लड़कियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, तो कोई भी लड़की उस समय पर डॉक्टर नहीं बनती थी। एलिजाबेथ के लिए उस टाइम पर मेडिकल की पढ़ाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस किया, कोई भी कॉलेज उन्हें एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था और जो मेडिकल को पढ़ाते थे, मींस जो टीचर्स थे, उनका मानना भी था कि किसी भी लड़की को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। फाइनली उन्हें जैसे तैसे जिनेवा मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क में एडमिशन मिला, लेकिन वहाँ पर उस कॉलेज में टोटल 150 स्टूडेंट्स की क्लास में वो इकलौती लड़की थी। उन्होंने टोटल 149 बॉयज़ थे उनके साथ पढ़ाई की, तो बाकी के जो अदर स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, उन्हें परेशान किया, उन्हें प्रैक्टिकल्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, इंसल्ट करते थे। ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद 2 साल लेट फाइनली उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की इन 1849, और 1849 में वो यूनाइटेड स्टेट्स की पहली फीमेल डॉक्टर बनकर सबके सामने आई। उसके बाद भी उनके चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए, उसके बाद उन्हें किसी भी हॉस्पिटल ने जॉब देने से इनकार कर दिया, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने खुद अपना हॉस्पिटल खोला जो कि वुमन्स और चिल्ड्रंस के लिए था। उसके बाद जब अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तब उन्होंने वहाँ पर अपने हॉस्पिटल को एक रिलीफ सेंटर की तरह बनाया 1861 में। बहुत सारी लेडीज़ को ट्रेंड किया एज अ नर्स, तो वहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर जो सोल्जर्स थे उनकी मदद की, उनको क्योर किया, उनका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद एलिजाबेथ ने मेडिकल स्कूल खोला, वुमन्स के लिए मेडिकल स्कूल खोला, और फाइनली 1868 में उन्होंने वुमन्स मेडिकल कॉलेज खोला जो अमेरिका का पहला वुमन्स मेडिकल कॉलेज था। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ एन एक्टिविस्ट। ये जो एग्जाम्पल है वो है एमलाइन पंकुरिस्ट का, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1858 में हुआ था। वो एक पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुई थी, बचपन से ही वो पॉलिटिक्स को देखती हुई आ रही थी, साथ ही साथ वो ये भी देखती हुई आ रही थी कि समाज में जो औरतों की स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, औरतों को बराबर के राइट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तब उन्होंने सोचा कि अगर औरतों को भी मर्दों के बराबर का वोटिंग अधिकार मिले तो उनकी स्थिति सुधर सकती है। उस समय तक फीमेल्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार सिर्फ मेल्स को था, वही वोट दे सकते थे। तब इन्होंने 1903 में वुमन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन की स्थापना की, WSPU, जिसमें बहुत सारी फीमेल्स उनकी पार्टी का हिस्सा थी। उनका मोटो था डीड्स नॉट वर्ड्स, कर्म करना है, शब्दों से कुछ नहीं है, काम करके दिखाना है। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, भूख हड़ताल की, बहुत कुछ किया, धरने दिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में डाल दिया। फिर 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपने इस कैंपेन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और उन्होंने अलग अलग देशों में जाके लोगों को प्रोत्साहित किया कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, उन्होंने सबको इनकरेज किया। फाइनली फिर उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया कि 30 से ज़्यादा एज की जो वुमन्स हैं उन्हें वोटिंग का राइट दिया गया। तो उनका ये जो WSPU बनाने का जो सपना था वो पूरा हुआ एक तरीके से,
और उनकी डेथ शॉर्टली बिफोर हर डेथ 1928 में उनकी डेथ के पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये लॉ पास कर दिया कि वुमन्स को भी मैन के बराबर का इक्वल अधिकार है वोट देने का। ये वही साल था जब पहली वुमन ने अटलांटिक ओशियन एरोप्लेन से क्रॉस किया था। अब हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें उस अगली वुमन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं जिसने सबसे पहले अटलांटिक ओशियन को क्रॉस किया था। टुडे द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस, आज के टाइम में एवेलिन बंकहर्स्ट को पूरी दुनिया एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल पर्सन के रूप में जानती है। 20th सेंचुरी की बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पर्सन के बारे में हर कोई इन्हें जानता है। नेक्स्ट वन इज़ एन एविएटर, एमलिया ईयरहर्ट का जन्म यूनाइटेड स्टेट 1897 में हुआ था। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एज अ नर्स काम किया कनाडा में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम एज अ नर्स इन्होंने वॉलंटियर किया। उसके बाद इन्होंने इमिग्रेंट चिल्ड्रंस को पढ़ाने का काम किया। एरोप्लेन स्टंट्स 1920s में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, इन्हें भी एरोप्लेन स्टंट्स देखना पसंद था। एक दिन इन्होंने 10 मिनट्स की जॉय राइड ली प्लेन में, तब से ही इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें भी एक एविएटर बनना है, इन्हें भी प्लेन्स उड़ाना है। 1928 में फिर उन्होंने क्या किया कि अपने ही पैसे कलेक्ट करके उन्होंने फ्लाइंग लेसन्स लिए और फाइनली उन्हें जॉब मिली। 1928 में उन्हें एज अ पायलट इनवाइट किया गया जब उन्होंने अमेरिका से इंग्लैंड तक की फ़्लाइट उड़ाई। फिर वो पहली लेडी बनी जिसने अटलांटिक ओशियन को क्रॉस किया, अकेले सोलो क्रॉस किया उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने कई सारी सोलो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स को कवर किया। ईयरहर्ट ने इसी फील्ड में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाया। वो सिर्फ अपने ही लिए काम करके नहीं रुकी बल्कि उन्होंने दूसरे के लिए भी इस रास्ते को खोला। दूसरों के लिए वो एक मोटिवेशन बनी, दूसरों को अपॉर्चुनिटीज़ उनकी वजह से प्रोवाइड की गई। तो ये तीन एग्जांपल आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं। पहला था डॉक्टर, सेकेंड था एक्टिविस्ट एंड थर्ड था एविएटर। ये तीनों ही एग्जाम्पल वुमन्स के हैं जिन्होंने दूसरों के लिए रास्ते को लीड किया, दूसरों के लिए एक नया रास्ता खोला और उस पर और भी लेडीज़ ने आगे चल के कदम रखा। फर्स्ट क्वेश्चन, शी ऑल्सो हेल्प सिलेक्टेड एंड ट्रेन नर्सेज फॉर द वॉर। ये इन्होंने नर्सेज को ट्रेन किया, सिलेक्ट किया वॉर के लिए। तो ये काम किया फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा एलिजाबेथ ब्लैकवेल के बारे में, उन्होंने वॉर के टाइम नर्सेज को ट्रेन किया। Why was Elizabeth's decision to become a doctor unusual? Elizabeth का डॉक्टर बनने का जो डिसीज़न था वो अनयूजअल इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं हुआ करती थी। कॉलेज मिलने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद क्या प्रॉब्लम फेस की? तो कॉलेज में ये था कि 150 स्टूडेंट्स में वो इकलौती फीमेल थी, तो वहाँ हर कोई उन्हें परेशान करता था। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद किसी भी हॉस्पिटल ने उन्हें जॉब देने से इनकार कर दिया। एवेलिन बंकहर्स्ट ने वुमन के बारे में क्या ऑब्ज़र्व किया? तो एवेलिन बंकहर्स्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर समाज में जो औरतों की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, वो बहुत ही बेकार है, और अगर इस स्थिति को सुधारना है तो उसके लिए फिर उन्हें औरतों को बराबर का अधिकार दिलाना पड़ेगा वोटिंग का, तभी जाकर ये स्थिति सुधर सकती है। 1918 सिग्निफिकेंस WSPU के लिए इसलिए रहा क्योंकि उसी टाइम पर गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि 30 ईयर की एज से ऊपर की लेडीज़ को वोटिंग का अधिकार दिया गया। एवेलिन ने जो अपना मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था, क्या वो सही था? बिल्कुल सही था। एक देशभक्त की तरह उन्होंने अपने उस पर्सनल इवेंट को ख़त्म करके, उस मूवमेंट को ख़त्म करके, उस समय देश को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने देश की मदद की और उसी से फिर उन्हें सक्सेस भी मिली। एमलिया ईयरहर्ट को एविएटर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो एमलिया ईयरहर्ट उस टाइम उन्होंने प्लेन स्टंट्स वो बहुत फेमस हुआ करते थे और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 10 मिनट्स की जॉय राइड ली तब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें भी एविएटर बनना है। 1928 और 1932 एमलिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए रहे क्योंकि उन्हें फर्स्ट टाइम ये काम करने के लिए मिला था, इसलिए ये ईयर उनके लिए इम्पोर्टेंट रहे। उन्हें एज अ पायलट फर्स्ट टाइम उन्होंने अटलांटिक ओशियन सोलो उड़ाया और भी बहुत सारी चीज़ें। Why was being the best student in her class of special importance for Elizabeth? एलिजाबेथ बेस्ट स्टूडेंट इसलिए मानी जा सकती हैं, स्पेशल इम्पॉर्टेंस इसलिए हो सकती है क्योंकि 150 स्टूडेंट्स की क्लास में उन्होंने इकलौते ही इसको कंप्लीट किया, पूरा किया, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एलिजाबेथ एक सिग्निफिकेंट डॉक्टर की तरह निकल के आए। तो ये जो चैप्टर है
ये आपको तीन वुमन के बारे में बताता है जिन्होंने वे को लीड किया और दूसरों के लिए रास्ता खोला. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर लीडिंग द वे. थैंक यू एवरीवन.